नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे ये सब क्या है, कहाँ से ला रहे हो? चौधरी साहब गांव से लेके आए हैं। सीता में आ गया? अरे केला पूजा के कमरे में रखना। जी अच्छा। दीदी। अरे आ गया तू? अजीत तो सुबह से तेरी राह देख रहा था। घर में सब खैरियत तो है ना? तो अब तक जीवित हैं, ये तो बड़े आनंद की बात है। मुझे तो डर था कि कहीं आप स्वर्गवासी हो गई। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? नहीं, शहर के वातावरण में दीर्घायु होना अत्यंत मुश्किल है। तुम दोनों दीर्घायु हो, यही मेरा आशीर्वाद है। अच्छा ये तो बता, दोस्त के लिए इतना सारा सामान लाया, मेरे लिए क्या लाया है? लाया हूँ आपके लिए भी लाया हूँ। क्या बहू, ये लीजिए। वाह, सुनीता इतनी बड़ी हो गई, कितनी सुंदर लग रही है। जय के साथ जोड़ी खूब जमेगी। अरे ये तो क्या कर रहा है, आज ही शाम की गाड़ी से लौट जाएगा, मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं ऐसा नहीं जाएगा। अरे आते आते जाने की रट लगा रखी है, मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। क्या तुझ पर कोई फौजदारी का मुकदमा लगा सकता हूँ या नहीं? अरे यार मेरी भी जाने की इच्छा कहाँ है, जी तो करता है इधर ही महीने दो महीने रह जाऊं। तो रह जाना, कौन मना करता है? अरे क्या कहूँ दीदी, आज अगर नहीं पहुँचा तो पूरे 50,000 का। अरे डरो मत, हो जाएगा, ऐसे ही है। पूरी पार्टी कल शाम को आने वाली है, साल के फसल का सौदा करना है। कोई बात नहीं, अब तो अक्सर आना पड़ेगा। जाए यहाँ से, अक्सर आना पड़ेगा। और तो ठीक है, जितने दिन चाहो रह लूंगा, जितने दिन चाहे रह लूंगा। इतनी बड़ी रकम का मामला है, मैं तो रोकूंगा नहीं। अरे बेटे के ससुराल का मैं सौदा कैसे तोड़ सकता हूँ? तो एक काम कर, खाना खा ले। अरे जा यहाँ से जा। और फिर अरे अभी तो तू मिला नहीं उससे, मिला नहीं मेरे बेटे से। जय जय कहाँ है? मैं उसे अभी बुलाता हूँ। अरे रामू, ए रामू, जरा छोटे बाबू को ऊपर से बुला ला। छोटे बाबू घर पे नहीं है मालिक, कहीं चले गए हैं। इसी का डर था ये मुझे। अरे वो प्रोफेसर के पास गए हैं। हाँ, प्रोफेसर के यहाँ। प्रोफेसर, तो एक काम कर, नहा ले, तब तक मैं उसे बुला लेता हूँ। जाएगा कहाँ? सब जगह फोन कर लिया मगर पता नहीं उसका मक्का। आखिर वही होना दीदी जिसका मुझे डर था, उसे पता चल गया कि शादी के लिए उसे कोई देखने आ रहा है। दीदी? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। फिर किसने बताया? अब चौधरी को क्या जवाब दूंगा, सोचना पड़ेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमोस्तुते, ओम अम्बे अम्बिके अम्बा। जा, मेरी दुष्ट कुत्ता खन्ना, कुत्ता कुत्ता खन्ना। अरे क्या हुआ चौधरी? मेरी धोती, कुत्ता संभालो, खन्ना मेरी धोती फाड़ दी है। बार कहा है इसे अंदर बताने दिया करो, पर मेरी। अरे रामो, इस घोड़े को जल्दी बाहर निकाल, चल। हाँ। कुत्ता, कैसा भयंकर कुत्ता पाल रखा है घर में। कुत्ता नहीं घोड़ा है साला, मुझे भी इसे डर लगता है, लेकिन क्या करूं, जय का प्यारा कुत्ता। क्या क्या? हाँ। मेरी धोती फाड़ कर फेंक। जय का कुत्ता? हाँ। कोई बात नहीं, दरअसल मेरी ही गलती थी, विलायती कुत्ता है ना, संस्कृत मंत्र कैसे समझेगा, इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन शेर जैसा कुत्ता है, सुनीता को बहुत पसंद आएगा। ठीक है ना तेरे लिए। चौधरी मुझे बड़ा खराब लग रहा है, तू इतनी दूर से आया और जय से मिल न सका। कोई बात नहीं, तेरे बेटे को देखना क्या, उसे क्या मालूम कि मैं आज चला जाऊंगा। मुझे तो खुशी हुई कि वो मेरे लिए रुका नहीं, बल्कि उस प्रोफेसर के पास पढ़ने गया। कौन सा प्रोफेसर? वो कॉलेज का प्रोफेसर। गाना प्रोफेसर के पास पढ़ने गया। देख चौधरी तो फिक्र न कर, मेरी तरफ से ये शादी पक्की, मैं जय को 2-4 दिन के लिए तेरे पास भेज देता हूँ, वो तुझसे मिल लेगा, सुनीता से भी मिल लेगा। ये बहुत अच्छा होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अजीत को दीजिए, और हाँ जय को जरूर खिलाना यहाँ। क्या बताऊँ, इस साल तो आप उसके पेड़ में आम नहीं आए, वरना और 20-25 टोकरी उठा ले आता। कितना तो लाए यार तू? तो जय को कब भेज रहे हो?
बस दो चार दिन में भेजेंगे। हाँ ठीक है। आखिर तो जा ही रहा है। घबरा मत, 12 साल की जुदाई सूद के साथ वसूल कर लूंगा। गाड़ी तैयार है। अरे खैर, मुझे तो फूल देना भूल गई। अभी अरे, अरे मेरे बेटे की फोटो रख ली ना, तो ये भी फोटो रख ले। क्यों? अरे मेरे बेटे के साथ तेरी बेटी की शादी है तो मैं फोटो रख के क्या करूंगा। चल चल, आने से पहले तार भेज दे। हाँ हाँ। ये रख ले, पूजा के फूल है, घर जाते ही चिट्ठी लिखना। देखा ना, सीतानाथ के सामने मेरी नाक कटवा ली जैन है, मैं तो तंग आ गया उससे। तू चिंता मत कर, इस बार जैसे भी हो सुनीता की फोटो दिखाकर उसे बनवा ही लूंगी। फोटो फोटो, जिंदगी भर से फोटो दिखाती रहोगी? फोटो से शादी करा दो उसकी। मैंने फोटो वापस कर दिया है। फोटो वापस कर दिया? इस बार मैं देखता हूँ वो कैसे शादी नहीं करता। मैं भी कम से नहीं हूँ। अरे सुन तो, सुन। पिताजी जय को जब मेरे बारे में बताएंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी ना? अगर यूं तेरी याद न भी आई तो तेरी तस्वीर देखने के बाद जरूर आ जाएगी। तस्वीर देखने के बाद? पहले नहीं, मुझे तो उनकी सारी बातें याद है। देख कि तू जैसे प्यार करती है ना, इसलिए उसकी हर बात तुझे याद। पर वो तो तुझे प्यार नहीं करता ना। मुझे प्यार नहीं करते तो शायद मुझे पसंद भी नहीं करेंगे। अरे ओ नारायण, जल्दी चलो जल्दी, बड़े मालिक आ गए हैं। क्या ठाट है खन्ना के, वाह वाह, सुनीता वहां जाएगी तो राज करेगी राज। और जय क्या लड़का है, हा हा हा, खेलेगा या पढ़ेगा, पढ़ेगा या खेलेगा, दोनों में तेज है। बातें क्या हुई उनसे? अरे जय कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है कि ससुर आए तो उसी के आसपास घूमता रहेगा। अरे वो तो सुबह से अपने प्रोफेसर के पास पढ़ने गया था, प्रोफेसर के पास। तो आप मिले नहीं जैसे? जैसे नहीं मिला तो क्या हुआ, उसके कुत्ते से मिला। कुत्ते से? हाँ, कैसे शेर जैसा प्रभु भक्त कुत्ता है, मुझे नहीं पहचाना इसलिए उसके कमरे में घुसने नहीं दिया। मतलब आप जैसे बिना मिले चले आए? तो क्या हुआ, जय का फोटो लाया हूँ लेकिन खन्ना ने सुनीता का फोटो वापस कर दिया। क्यों? कहने लगा ये शादी मेरी तरफ से तो पक्की है, सुनीता को देखने के लिए जय खुद ही गांव चला जाएगा, फोटो की क्या जरूरत है। अरे सुन, क्या हुआ? सुनीता जय का फोटो लेकर भाग गई। माँ देखो ये है जय, तुम्हें पसंद है ना माँ? जय का फोटो देखा, पसंद है ना? बेटी तेरी शादी करा दूं, मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी, तू वहां बहुत सुखी रहेगी। शादी के बाद तू जब चली जाएगी तो ये घर एकदम खाली हो जाएगा, मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। जब भी तुझे फुर्सत मिले अपने इस बूढ़े बाप के पास आ जाना बेटी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पापा, कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटी तो पराधन होती है, एक न एक दिन तुझे वहां जाना ही है, तू वहां खुश रहे सुखी रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सुनीता, अच्छा तो यहाँ बाप बेटी गले मिल रहे हैं, शाम हो गई है, मंदिर में दिया नहीं जलाना है क्या? बस अभी जाती हूँ। डोली उठने से पहले ही बाप बेटी का रोना धोना शुरू हो गया। आ रहा हूँ राजकुमारी, इंतजार खत्म हुआ। ओ जय, क्या बात है, क्या हुआ? पिताजी ने खाना पीना छोड़ दिया है। क्यों, क्या हुआ, कोई व्रत रखा है क्या? मजाक छोड़ यार,
जिद कर रहे हैं जब तक गांव जाकर उनके दोस्त की लड़की को ना पसंद करूं ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। तो चला जाना। मैं गांव जाऊं और एक देहाती लड़की को पसंद करके आऊं? पागल हो गया क्या बात करता है? अरे भाई काम कर, तू गांव को पसंद कर ले और लड़की को ना पसंद, रिजेक्ट, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पापा से कह देंगे गांव तो पसंद है लड़की पसंद नहीं आई, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। आइडिया बुरा नहीं है, गांव को पसंद करूं लड़की को ना पसंद करूं, तू भी साथ चलेगा ना? क्यों नहीं, शायद मुझे भी कोई पसंद आ जाए वहां पर। मजाक छोड़, पिताजी नाराज हैं, वो मुझसे कतई बात नहीं करेंगे। तू पिताजी को फोन करके बता दे, हम गांव भी जाएंगे और उनकी वो लड़की भी देख लेंगे, ठीक है? ओके यार, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, बेफिक्र होकर घर जा, मैं बात करता हूँ। थैंक यू यार। ओके। हाँ अंकल, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ ठीक हूँ। सुना है आपने खाना पीना छोड़ दिया है? क्या बताऊँ प्रदीप, मेरे बेटे की वजह से। कुछ बताने की जरूरत नहीं है अंकल, आप भूख हड़ताल छोड़कर खाना खाना शुरू कर दीजिए। जय गांव जाने के लिए तैयार है। हाँ, वो गांव जाने के लिए तैयार हो गया? हाँ, लड़की देखने के लिए भी। अरे ये तो अच्छी बात है। मैं भी साथ जा रहा हूँ। अरे तुम भी साथ जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम भी साथ जा रहे हो। देखो बेटा, सीतानाथ मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और मैंने उसे वादा किया है कि जय की शादी उसकी बेटी सुनीता से ही करवाऊंगा। बेटा देखना जरा ये शादी मंजूर हो जाए, मेरी इज्जत का सवाल है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, ये तो एक छोटा सा काम है, मैं तो एक्टर आदमी हूँ ना, नारद से लेकर नारायण तक सभी रोल किया मैंने। अरे जय तो क्या, मैं तो उसके बाप की भी शादी करा दूँ। अरे मेरी शादी की क्या बात कर रहे हो? सॉरी अंकल, मेरा मतलब जय की शादी। अरे तो ऐसा कहो ना। हाँ हाँ वही, चौधरी साहब को खबर कर दीजिए कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, और इधर पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं आज ही चौधरी को तार भेजता हूँ। जानकी, जब वो लोग आएंगे ना तो उनके सामने आलता मत लगाना। क्यों? मुझे शर्म आती है। तो फिर कहाँ बैठ कर लगा? वहाँ मंदिर के पीछे। सुनीता, जर्रा कहाँ हो तुम सब? शहर से तार आया है, जय और उसका दोस्त कल आ रहे हैं। किमी दीदी, किमी दीदी, आपके एक पैर में आलता लगाना बाकी है। माँ वो आ रहे हैं। माँ तुम तो जानती हो कितने सालों से मैं जय का इंतजार कर रही हूँ, अब वो आ रहे हैं। माँ मैं कितनी खुश हूँ, ये तो तुम जानती हो ना। इतनी भी तमीज नहीं कि साइकिल लेके कहाँ जाना चाहिए? देखता नहीं सफाई हुई है, ये उधर कहीं का। अरे अरे जरा सी साइकिल लेकर क्या आ गया तो क्या हुआ? मैं कोई घुड़सवारी तो नहीं कर रहा इधर, इसमें तो घुमा घूम करने की क्या बात है, फिर सफाई हो जाएगी। हाँ हाँ ये सफाई तो हो जाएगी, मगर तेरी भी तो सफाई होनी चाहिए, ये क्या औलिया बना रखा है? इस तरह जाएगा जय के सामने? वो शहर से आ रहा है, शहर से। तो मैं क्या करूँ? तमीज, तमीज सीख उससे, सीख सभ्यता क्या होती है, संस्कार किसे कहते हैं। वो सोना है, बिल्कुल सोना, बहुमूल्य हीरा। हीरा होगा अपने घर का, मेरे को क्या है, इधर बहुत घूमते हैं ऐसे चप्पल चिटकाने वाले। हाँ और एक बात बोल दूं, अगर मेरे ऊपर शहर का रोब जमाया ना तो इधर ही गाड़ कर रख देगा उन दोनों को। बदतमीज नालायक। देखा माँ, देखा तूने ऐसे मारा मेरे को, अभी कल मैं कुछ कर दूंगा तो बोलना नहीं ऐसा। क्यों क्या मैं बोलता हूँ तेरे को? नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, उनका तो दिमाग खराब हो गया है, जब से शहर से लौटे हैं पागल हो गए हैं, सारे घर को परेशान कर रखा है। हाँ, वो जय उनका सगा वाला है ना, और मैं कुछ नहीं। नाराज मत हो बेटे, चल खाना खा ले। मेरे को नहीं खाना है खाना वाना। अरे बेटे सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा ले। बोला ना नहीं खाने का है, चल 100 रुपया निकाल, मेरे को जाने का है। कहाँ जाएगा? जाने का है मेरे को, तेरे को देना तो दे, बोल। देती हूँ बेटा, देती हूँ, लेकिन तू भूखा है, थोड़ा खाना तो खा ले बेटा। खाना तो खा ले, क्या खा ले, जान जल रही है मेरी। मैं देखता हूँ जाय का बच्चा क्या इज्जत करता है इन लोग की, इधर आके देखता है मैं। अरे मैं भी इधर ही चाहे देखता है मैं,
खाना तो खा ले। मेरे बेटे। सरकार। अरे तू अभी तो क्या है, स्टेशन नहीं गया? अरे ये तो जानकी ला सकती थी। जानकी को माँ जी ने ऊपर बुलाया है सरकार, और अभी तक ट्रेन आने में बहुत देर है सरकार। आज तक ट्रेन कभी वक्त पर पहुंची है? बराबर सरकार। जा स्टेशन जा। जी। और सुन, दो छाते ले जाना, संभाल के जाना जी, मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो जी, और रुका उधर रख दे जी सरकार। चलो तो भाई, कोई आया? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हद हो गई यार, ट्रेन तो आके भी चली गई, हमें कोई लेने भी नहीं आया। ऐसा लगता कि यहाँ कुछ देर पहले बहुत सारी बारिश हुई होगी, इसलिए कोई नहीं आया होगा। अरे बरसात में हमसे मिले तुम। पापा ने तो कहा था स्टेशन पे हमें लेने के लिए जरूर कोई ना कोई आएगा। अरे भाई बरसात में हमसे मिले। वो देखो नौकर भेजा हमारे लिए। वो नौकर हमारे लिए? सत्ता मुर्गे आ गए। ओ भाई, हम बड़ी देर से खड़े हैं, आप आवा रहे हैं? खड़े रहो या बैठे रहो, मेरे को क्या है? मतलब ये कि आप हम लोगों को लेने नहीं आए? आपको लेने काहे को आएगा, पहले गांव में कमती हैं क्या? आई एम सॉरी, हमने सोचा कि शायद चौधरी साहब ने आपको भेजा हमें लेने के लिए। आप चौधरी साहब के घर का पता तो बता सकते हैं ना? कौन चौधरी? यहाँ तो सभी चौधरी है, हम भी चौधरी है, आगे पीछे तुम भी रहेगा, तुम भी चौधरी हो जाएगा। अरे भाई, हम सीतानाथ चौधरी की बात कर रहे हैं, बड़े पुराने जमींदार है, जिनकी एक सुंदर सी कन्या है विवाह के लायक, और एक लड़का भी है बहुत होशियार, एकदम अच्छा माइंड वाला। वो मालूम नहीं? वो नहीं मालूम है? सुंदर लड़की है, वो मालूम है, मैंने जानता कौन है सीतानाथ चौधरी। अरे भाई बहुत बड़े जमींदार है, शानदार हवेली है उनकी। अच्छा 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 अच्छा, वो सीतानाथ चौधरी जिनके आम और कटहल के बाग हैं, घी का धंधा करते हैं, है ना? घी का धंधा करते हैं, हो गया यार, हमें क्या। कुछ दिन पहले लड़की की शादी तय करने शहर गए थे। हाँ, वही। अरे 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 अरे, पढ़े लिखे लोग होकर आपने बेवकूफी की। सीतानाथ चौधरी तो श्यामपुर में रहते हैं, और श्यामपुर यहाँ से 40 मील दूर है। अरे भाई, इस गांव का नाम तो रामपुर है, आप लोग गलत स्टेशन पर उतर गए। अभी आप एक काम करो, यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ो और सीधा श्यामपुर चले जाओ। पिताजी ने तो रामपुर ही बताया था। आपको ठीक से मालूम है कि सीतानाथ चौधरी श्यामपुर में ही रहते हैं? लो, मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसको मालूम होगा। हर साल उन्हीं की तो आम चुरा कर खाता हूँ मैं, बहुत मीठे हैं, आप भी जाकर खाना। और ये हाइट बॉडी देखा आपने? उन्हीं के घी से बनाए लाया है। अब क्या होगा? अरे होएगा क्या, है? अगली गाड़ी आएंगी, उसमें चला जाना श्यामपुर, तब तक इधर ही इंतजार करो, अपन जाता है। जय हिंद। देखा, इसीलिए मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। पर मेरी समझ में नहीं आया कि गलती हुई कैसे। लगता है राम और श्याम में गड़बड़ हो गई है। जिंदगी में ये दूसरी बार मिस्टेक हुई है, पहली बार तब जब हमारे ड्रामे की पार्टी गलत स्टेशन पर उतर गई थी। हाँ चलो, मास्टर से पूछते हैं अगली गाड़ी कब आएगी। हाँ, जी वो श्यामपुर जाने वाली गाड़ी कितने बजे जाएगी? 9 बजे बस आती होगी। जी नहीं, कल सुबह 9 बजे। ओह, इसका मतलब रात तक कोई गाड़ी नहीं जाएगी? जी नहीं, अब सुबह तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अरे सुनिए, बड़े रुआब से कह रहा था ना, गाँव को पसंद कर लेना, लड़की को ना पसंद कर लेना, कर अब गाँव को पसंद। अरे भाई क्यों घबराते हो, यहाँ कोई होटल या धर्मशाला तो हो गई है? चलो देखते हैं। तो हो गई, चलो भी। अरे रुको 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 रुको, सरकार आप वो लोग आ गए हैं क्या? मैं तो उन लोगों को लेने के लिए आया हूँ। तूने इतना देरी क्यों किया? क्या कहूँ सरकार, बीच रास्ते में गाड़ी का पहिया निकल गया था, इसलिए तांगे वाले को बोलकर लाया। छोटे सरकार, लगता किसी ने वो पहिए का कीड़ा निकाल दिया था। ठीक है ठीक है, अब स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख के आया।
इस गाड़ी से कोई नहीं आया, मैं देख क्या है। पर छोटे सरकार, आना तूने इसी गाड़ी पर था, मैं जरा देख कर आऊं। टाइको, तेरे जाने से क्या वो लोग स्टेशन पे टपक पड़ेंगे, बोला ना कोई नहीं आया। और घर जाके बोल देना कि इस गाड़ी से आदमी तो क्या आदमी का बच्चा भी नहीं आया। और सुन, मेरे को जरा अड्डे पे छोड़ दे, मेरे बारे में किसी को बोलने का नहीं है। नालायक, तुझसे एक भी काम नहीं होता। तू मेहमानों को स्टेशन से यहाँ नहीं ला सका, क्या कहीं से भी ढूंढ के ला, वरना मैं तुझे। मैं कहाँ से लाऊं सरकार, इस गाड़ी से नहीं आए तो कहाँ से लाऊं? नहीं आए? नहीं। ठीक से देखा? जी सरकार। ये कैसे हो सकता है, खन्ना की तार में तो आज की तारीख थी। शायद बारिश की वजह से नहीं आ पाए सरकार। बारिश की वजह से नहीं आ पाए? जी। बारिश की वजह से? जी सरकार। ठीक है, चलो गाड़ी कर जा। जी। दो दिन के लिए मैं धवन गांव जा रहा हूँ, जाने की तैयारी कर। जी सरकार। आइए रवि बाबू, आप ही की तारीफ हो रही थी। अच्छा, मैं इसे कह रहा था कि फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ। जैसे रवि बाबू आएंगे तो अगला पिछला सब हिसाब चुका कर देंगे। ले लो चाचा बड़ा नोट, और मेरे अकाउंट में आज सबको दारू पिलाओ। अरे चाचा, नोट को घूरते क्या हो, बिल्कुल असली करारा और हरा लेकर आया हूँ। असली भी है, करारा भी है, और चटकारा भी है, क्यों ना हो, तुम्हारा जो है। खोल दो बाटली। एक काम करो, अभी आप फटाफट वो गाने वाले मुरली को बुलाओ, आज हम गाएंगे, नाचेंगे और धूम मचाएंगे।